नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो आज हम आपको EVS के जो जनरल अवेयरनेस वाला पोर्शन है उसके बारे में बताएंगे, UPTET 2013 में जो सवाल पूछे गए। तो पहला सवाल था, किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा आंसर होगा राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत का दूसरा बड़ा बायो रिजर्व पार्क है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन से जुड़ा राज्य। तो चिपको आंदोलन था, इसमें जब भी पेड़ काटे जाते थे तो लोग इन पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें बचा सकें। इसके प्रेरणाता थे श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी और ये था उत्तराखंड से। अगला सवाल था, विश्व ओजोन दिवस, ये ओजोन के संरक्षण के लिए मनाया जाता है कि हम वातावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाएँ, जिससे ओजोन परत को नुकसान कम से कम हो और परावैंगनी किरणों को रोकती रहे। तो इसका सही आंसर है 16 सितंबर। UPTET 2013 में जो आखिरी सवाल पूछा गया जनरल अवेयरनेस का, वो था, किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, इसमें काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं और ये उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में है। तो इसी तरह टॉपिक वाइज और ईयर वाइज क्वेश्चन जानने के लिए UPTET के जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।